हाय दोस्तों, आज आप देखेंगे बजाज की 125 सीसी की और उसमें किस तरीके से गियर बक्सा की सेटिंग करते हैं और यहाँ तक क्या पूरा फुल इंजन की वीडियो मैंने बना दिया है। आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि कहाँ से रिंग लगाते हैं। मैं अपने तरीके से रिंग लगाता हूँ लेकिन आप लोग अपने तरीके से लगा सकते हैं। और वाल वाल की सारी फिटिंग किस तरीके से बैठानी है और क्लच की कहाँ सेटिंग करनी है, कौन सा वार्सल कहाँ लगेगा क्लच में और गियर बक्से में भी कौन सा वार्सल कहाँ किस जगह लगता है, कौन मोटा पतला, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बता रखा हूँ। एक भी कड़ी मत छोड़ना दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। और चलते हैं, वीडियो देखते हैं। इधर वाला ये आउटपुट सापट है दोस्तों, उसके बाद अब इसमें कौन सा वार्सल कैसे लगता है वो भी मैं आपको बताऊँगा और कहाँ से किस तरीके से लगाना है ये भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन इस चीज़ को ध्यानपूर्वक आपको देखना पड़ेगा क्योंकि ये दो जो गरारी होती हैं आपकी, ये दोनों लॉक होती हैं ना, अंदर आती हैं ना बाहर जाती हैं, देख सकते हैं दोनों तरफ से। और उसके बाद इनपुट शापट आपका ये रहा, तो इनमें भी दो गरारी आपकी लगी हुई हैं और गलत भी, जैसे आप गिर गरारी लगाते हैं तो भी अभी आपको पता चल जाएगा। तो लगाने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ आउटपुट शापट का सारा गिर गरारी, देखें दोस्तों। उसके बाद जैसे मैं अभी उल्टा लगा के आपको दिखा रहा हूँ, ये उल्टा लगा, लेकिन इसमें देखिए कितना गैप आ रहा है, ठीक है। इसमें आपका सिलेक्टर जो गियर काम नहीं करेगा, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डाउन करना पड़ेगा। अब ये देख रहे हैं कितना फ्री चल रहा है और जैसे कि मैंने उल्टा लगाया तो उल्टे में ना के बराबर खुले हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, मैकेनिक आदमी हो या सीखने वाले हो तो इस तरीके से लगेगा, ठीक है दोस्तों। जैसे ये लगने के बाद एक है बुश, कॉलर वाली बुश है, आपको ऐसा नहीं लगाना है, ऐसा लगाओगे तो आपका गियर काम नहीं करेगा, तो आपको क्या पलट के ऐसे लगाना पड़ेगा। आप देख रहे हैं इस तरीके से लगाना है और आपका जो गियर है, गियर को ऐसा नहीं लगाना दोस्तों, ऐसे लगाओगे कोई काम नहीं करेगा, तो आपको क्या है ऐसे पलट के लगाना है, तो इस तरीके से आपका ये काम करेगा, पकड़ के चलेगा। तो आपका ये हो गया, इसके पीछे एक वार्सल लगता है, कौन सा वार्सल, मोटा पतला दो वार्सल होते हैं इसमें। और वार्सल कहाँ है, इस तरीके से दोस्तों दो वार्सल होते हैं। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है मैकेनिक, लोगों को पता ज़्यादा नहीं चल पाता इसमें कौन सा वार्सल कहाँ लगेगा। तो इसमें एक मोटा एक पतला है, ये पतला वाला ये इनपुट शापट में लगेगा, ये लगेगा मोटा वाला आउटपुट शापट में, जैसे कि ये मेरे पास है तो इसमें क्या है मोटा वाला लगेगा। इस चीज़ को देख लें, ये आपकी ये ओके हो गई है। अब दूसरा इनपुट शापट हमें इसे पैक करने जा रहे हैं और इसके लिए सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि ये वार्सल, ये वार्सल लगाएंगे, लगाने के बाद ये गरारी आप देख रहे हैं, जिस गरारी में जिसमें राउंडिंग होगा ऐसे घूमने वाली, उसमें एक वार्सल कंपलसरी है ये, चाहे आप स्प्लेंडर हो, चाहे बाइक हो, चाहे पल्सर हो, चाहे किसी भी बाइक में हो, इस चीज़ को ध्यान दें। और उसके बाद आपको ऐसा लगाने तो गियर आपका काम ही नहीं करेगा, क्योंकि ये फ्री हो गया तो आप जाहिर सी बात इतना दिमाग लगाएंगे तो आपको आउट करके लगाना पड़ेगा। ये है पूरा तरीके से पकड़ लिया। और उसके बाद में एक गरारी है, इसमें कोई उल्टा सीधा नहीं होता है, इस चीज़ को चाहे आप इधर से लगा लें, चाहे आप इधर से लगा लें, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद इसके पीछे मैंने आपको बताया था एक पतला वाला वार्सल यहाँ लग जाएगा, ये आपका हो गया यहाँ से कंप्लीट। और अब हमारा गियर किस तरीके से काम करेगा, इस तरीके से हमारा गियर काम करेगा, ठीक है दोस्तों। अब इसको लगाते हम लोग ध्यान रखना और लगाते टाइम भी आप इस चीज़ को ध्यान रखना, इस तरीके से लगाना है कि वार्सल कभी कभार क्या गिर जाता है, जो वायलिंग वायलिंग के साथ अब ये देख सकते हैं लग चुका है, अब दोनों बराबर है सेम फेस। और लगाने के बाद अब इसमें होता है सिलेक्टर, ये सिलेक्टर है, अब आपको मैं दिखा दूँ सिलेक्टर का, ये सिलेक्टर छोटा वाला भैया, हाँ नट से कम इसमें अलग ही दे रखा है। और ये देख सकते हैं दोस्तों, ये सिलेक्टर है छोटा वाला बड़ा वाला, और दोनों पिन एक साइज ही है, चाहे आप इधर से लगाएं चाहे इधर से लगाएं, दोनों में से कोई से भी लगा लें, इसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है दोस्तों, दोनों बराबर है। और दो सिलेक्टर होते हैं, आपको कभी ऐसा सिलेक्टर नहीं लगाना है जैसे आप देख रहे हैं, ऐसा कभी नहीं लगाना, नहीं गियर आपका काम नहीं करेगा। आपको कभी भी लगाना, चाहे पल्सर हो चाहे बजाज की कोई सी भी गाड़ी हो, आपको इस तरीके से लगाना है, इस तरीके से दोस्तों, ठीक है।
और लगा के आपको मैं अभी दिखाता हूँ। बोले दिख रहा ना, दिख रहा। एक चीज दोस्तों और है, जब आप खोलेंगे तो एक चीज और आपको दिख जाएगा। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ शाइनिंग कितनी तगड़ी है और सफेद टाइप की, क्योंकि ये कंटिन्यू रोलिंग होती रहती है तो इसलिए चिकना हो गया। और इधर देखिए ब्लैक ब्लैक है, तो इस तरीके से आप लोग भी पकड़ सकते हैं कहाँ से कैसे लगाना है। तो मैं अभी लगा के आपको दिखा रहा हूँ, तो देखिए और किस खांचे में लगानी है। ये देखें दोस्तों इधर, और एक मिनट रोकना जरा, आप देख सकते हैं दोस्तों इधर। और मैं आपको तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये नीचे वाले में लगेगा, एक बीच है एक ऊपर वाला है, ठीक है। तो सेकंड वाला आपको जैसे ये लग गया, तो जैसे सेकंड वाला आपने यहाँ लगाना है इस पे, ठीक है दोस्तों। और आपका छोटा वाला जैसे देखिए, इसमें भी कट लगा होगा, निशान अभी आपको दिख जाएगा। एक है वाइट कलर का, एक ब्लैक है, तो वाइट वाला आपका जो है अंदर की तरफ रहेगा। और खांचे देख सकते हैं ऐसे ऊपर की तरफ लग रहेगा, क्योंकि देखिए एकदम नीचे जो है कम खांचा है, ऊपर ज़्यादा है। तो इस चीज़ को सिलेक्टर को भी आपको पहचानना पड़ेगा, जैसे खोलते टाइम भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। ये आपका लग चुका है, ये दोस्तों पिन है। पिन को क्या करना पड़ेगा, ऐसे साफ तेल रख लें, साफ तेल लगा के लगा दें। और इस तरीके से आपको लगाना है दोस्तों। देख लें, ध्यान से दिखाओ भैया। हाँ, तीन नंबर लगेंगे, अभी देख सकते हैं फ्री एकदम घूम रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको गियर बक्सा को बैठाना है, वार्सल नहीं भूलना है, आगे से लेकर पीछे तक कहाँ से काम कर रहा है सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। और आपको गियर गरारी जैसे घुमा के चेक भी करना है, तो सारा यहीं से घुमा के आप चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ऐसे साफ तेल डाल दें इसमें, और उसके बाद आपने क्या करना, थोड़ा राउंड कर लेंगे। इस तरीके से आपको गियर बक्सा बैठाना दोस्तों। और जैसे कि अभी न्यूट्रल में है, जैसे कि देखिए अभी मैंने सापट घुमा रहा हूँ, ये एकदम ये फ्री है, तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा न्यूट्रल में है, किस चीज़ में है। और गियर का जो अपना होल्डर है, तो इस तरीके से ये काम करता है, क्योंकि अभी हाथ में तेल लगा हुआ है, यार स्लिप ज़्यादा कर रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अभी जो नए नए सीखने वाले हों या सीख चुके हैं, कुछ कभी वार्सल भूल भाल जाते हैं, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कोई ज़्यादा इसमें बड़ा काम तो वैसा है नहीं इस गियर गरारी में दोस्तों। अभी न्यूट्रल है, क्योंकि आप देख सकते हैं चारों गरारी आपकी घूम रही है, दो इधर घूमेगी, दो इधर घूमेगी। और जैसे चेक करने के लिए, क्योंकि मैंने पीछे इस तरफ आप देख सकते हैं मैं इसे घुमा रहा हूँ, तो चेक करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। और आपको घुमा के जैसे गियर गरारी चेक करनी हो तो कैसे चेक करना है, और मैं अभी दिखा रहा हूँ। बड़ा जाम हो रहा है, लगाएंगे तो इन बेयरिंगों में साफ तेल लगा लेंगे। और जैसे कि इधर बेयरिंग है इनमें, और लगाते टाइम में एक बार ये जो आपका सापट है इसमें डाल देंगे, और डालने के बाद इस तरीके से घुमा लेंगे। और लगाने से पहले भी इस चीज़ को आप ध्यान रखें, इसमें भी थोड़ा वाइनिंग कर लेंगे, क्योंकि जो हमारी बैरिंग की है वो एकदम फेस सही तरीके से बैठे। तो इस सारी चीज़ों को ध्यान आपको रखना है, क्योंकि अभी क्रैंक को अभी भरवाया है हमने, असेंबली डलवाई है, क्योंकि जिसकी भी गाड़ी हो, गाड़ी अच्छी चले। Thank you.
देख सकते हैं अभी बैठ गया है। इस तरीके घुमा के चेक कर ले और इसके बाद ये आपका स्प्रिंग लगेगा। ठीक है दोस्तों, अब इसे साफ करके मैं बोन वोन लेकर आता हूँ, फिर लगा के फिर मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। उसके बाद जैसे मैंने क्रैंक बैठाने के बाद नीचे दिखा दे रहा हूँ, तो फ्रेंड जैसे मैंने क्रैंक अब यहाँ बैठा दिया हूँ, उस चीज़ को भी ध्यान रखना बैठने का, यहाँ बराबर होना चाहिए, जैसे कि दोनों तरफ से हाफ चैम्बर और हाफ इसका। और साथ में एक पैकिंग आपको दिख जाएगी है रबर टाइप की, ये भी लगा रहना चाहिए। सबसे मेन काम नहीं था करेंट में आपके क्या प्ले हो जाएगा, तो प्ले होने के कारण वह पिस्टन जल्दी खुल जाएगी। अभी यहाँ लगना है स्प्रिंग, और ये चैम्बर लगाने से पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, बोंड, स्विच की बोंड, एना बोंड, थ्री बोंड, जो आपके पास हो अच्छा वो लगा लें। तो मैं बोंड लगाने जा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड, फिर ऐसा करने के बाद आपको क्या हाथ से एक बार मिला लेंगे तो फेस में तरीके से लग जाए। कोई ज़्यादा भी लगाना बेकार ही हो जाता, बाहर निकल जाता, जितना इसकी ज़रूरत है इतना कवर कर लेगा ये। लगाने में भी कंजूसी ना करें, क्योंकि 20 रुपये का आइटम है, क्योंकि यही एक है जो लीकेज हो गया था, फिर आपको डबल मेहनत करना पड़ जाएगा, क्योंकि 20 रुपये का आइटम है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। हो चुका है, कर दिया। और फ्रेंड उसके बाद आप देख सकते हैं ये स्प्रिंग है टिक्की, कॉस्टली कितनी 15 रुपीज़। उसके बाद आप देख सकते हैं ये है फ्रेंड्स, जो उसके बाद मैंने सारा चीज़ जुगाड़ ले लिया है, देसी जुगाड़, इस टाइप का ऐसा ग्रीस लगा लेंगे। और लगाते ही इसमें एक कट दिख रहा होगा आपको, पूरा दिख रहा, उसमें इस तरीके से आप लगा देंगे। और लगाने के बाद कभी कभार क्या लगाते समय स्प्रिंग गिर जाती है, तो उसको रोकने के लिए आपको इस तरीके से पत्ती का या कोई ब्लेड हो इसे प्रयोग कीजिएगा। और मैं अभी इसे चैम्बर बैठाता हूँ, करंट की कटिंग भाई, सर उसके देख सकते हैं दोस्तों, अब बैठ चुका है चारों तरफ से ही। तो इसका आप क्या है, बोल्ट लगा लेंगे और करेंग भी घुमा के चेक कर लेंगे, ठीक है पूरा तरीके सही है, और गरारी भी। और इसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं, जो बोल्ट है इसके चैम्बर को लगाते हैं, और इधर भी जो चैम्बर के जितने बोल्ट हैं सारे लगा लेंगे, ठीक है फ्रेंड। इसमें मैंने चैम्बर का सारे बोल्ट टाइट कर दिए 8 नंबर वाले, और आपके जो हैं 6 बोल्ट इधर हैं, जैसे देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और एक इधर ये 6, ठीक है, और ये क्या 7 इधर हो गए, और आपके 3 बोल्ट इधर हैं। क्यों मैंने टाइट कर दिया, मैंने लंबी वीडियो बनाई कोई फ़ायदा है नहीं, 1, 2 और एक आपका इधर होगा।
ये रहा, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से आपको टाइट करके मेन चैम्बर फाइनल कर लेना है, और फाइनल करते हैं फिर इसके बाद एक गियर शाफ्ट लगा लेंगे और इसका सिलेंडर किट कर लेंगे और हेड रॉड का काम करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ पैक करते हैं, ठीक है। जो बोन वोन लगा हुआ है बाहर की तरफ उसे साफ कर लें और थोड़ा इंजन भी देखने में अच्छा लगेगा। ओके, दोस्तों ये रिंग बीच में दिखाया करो, और ये पिस्टन का डब्बा बोट्स कंपनी का पिस्टन डाल रहा हूँ, ये लॉक उसके, ये पिन। तो सबसे पहले आप रिंग लगाने से पहले आप क्या करेंगे, लॉक लगा लेंगे एक, और ये देखना पड़ेगा टाइमिंग चेन इधर की तरफ से है तो क्योंकि परेशानी आपको नहीं होगी, तो आप इधर से ही लगा लें लॉक एक 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 तरफ से, कहीं से भी आप लगा लें जहां आपको अच्छा पड़ता है। तो इस तरीके से पेचकस का प्रयोग कर लें, देख सकते हैं बैठ गया एक तरीके से, लॉक में बैठ चुका है, और उसके बाद एयरिंग लगा लेंगे। ये जो कट की तरफ है नीचे की तरफ, ये शायद आपको दिख रहा हो वहाँ दिख गया, तो ये नीचे की तरफ रहेगा, नीचे की तरफ, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से लगा रहा हूँ। ये लग चुका है, और सेकंड में इसकी सपोर्टिंग रिंग, जैसे बाहर की तरफ जा रही है तो इसको बाहर की तरफ ही लगाना है, इसमें भी सीधा उल्टा है रिंग का, हर कोई वैसे तो बताता नहीं लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूँ, और ये भी बाहर की तरफ जा रहा है तो इसे भी बाहर की तरफ ही डालो। और मेरा लगाने का तरीका कुछ अलग है, यूनिक है, जैसे कि मान लीजिए मैं पार्ट टू है ना, टॉप टू ब्लैक होगा, टॉप टू होगा और सिल्वर वाला होगा टॉप वन, आपको दिख जाएगा ब्लैक और सिल्वर में, तो सेकंड वाला आपको ये करना है, टॉप टू वाला ही नीचे की तरफ लगाना है, जैसे एरो जहाँ से दिया हुआ है, क्योंकि उसका कट जो रहेगा नीचे की तरफ, आप देख सकते हैं नीचे की तरफ मैंने लगा रखा है, और फ्रंट वाला ऊपर की तरफ। बहुत से लोग क्या करते हैं, नीचे वाला जो है ऊपर की तरफ कर देते हैं और ऊपर वाला नीचे की तरफ, जो लिखा हुआ इसमें कुछ पार्ट रहेगा ये ऊपर की तरफ रहेगा। तो इस तरीके से आपका रिंग लग चुका है, अब इसको मैं सिलेंडर में लगाता हूँ, ठीक है। ये दोस्तों सिलेंडर है, इसमें क्या होगा, ऐसे साफ तेल होगा, तो साफ तेल लगा लेंगे, क्योंकि इसमें क्या है जब हम रिंग बैठाएंगे तो दिक्कत नहीं होगी, और इसमें भी उल्टा सीधा होता है, और पहले इसमें तेल उल लगा लें, ऊपर उठा लो हल्का सा, ऊपर उठाओ, देख सकते हैं लग चुका है। अब इसको रिंग को बैठाएंगे, और ये भी सारी चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा आपको, कैसे कैसे लगना है। ये मान लीजिए इस तरीके से लगेगा आपका सिलेंडर किट, तो ये जो एरो का निशान दिया हुआ है वो आगे की तरफ रहे सिलेंसर की तरफ, तो आपको इस तरीके से लगाना है। बंद कर लो, सिलेंसर आगे है और टंकी के नीचे, क्या सिलेंसर नीचे टंकी शायद आगे होगा, आगे हाँ, लेकिन पहले सीट को, सीट के नीचे बैठे, तरीके से आपको बैठाना है, और ये देख सकते हैं जो तेल हमने डाला था, अब ये तेल निकल रहा है,
तरीके से करने के बाद आपको क्या करना है, जो पिन है आपका, ये पिन को इसे तेल में लगा के इस तरीके से लगा देना है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया दोस्तों। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। तो उसके बाद आप पैकिंग लगा लें। पैकिंग लगाने के बाद और इसका जो मैंने आपको पिस्टन में दिखाया था, जैसे कि इसका लॉक निकाल लें, देख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद इसका पिन लगा दिया हूँ और ये लॉक लगाने वाला हूँ। ये क्या है, इसमें सबसे पहले आपको मान लो, हम तो लगा लेते हैं वैसे ही, लेकिन गलती कभी भी हो जाए तो आप इससे पहले कपड़ा लगा के फिर लगाएं। और एक पेचकस का इसका प्रयोग कर लें। लॉक अपनी जगह बैठ चुका है और उसका सिलेंडर लगा लेंगे। लगाओ, लगा के बंद करते हैं। अंदर चला गया। आराम से जानते नीचे जा रहा है। इधर ले जाओ। ये देख सकते हैं इसका फेस, हाथ हटाओ पूरा बैठ चुका है। और आपका ये टॉप है पिस्टन का, ये देख सकते हैं, ये पूरा हो गया। इसे साफ कर लें। और इससे पहले जब आप लगाएंगे, यहाँ चैन की पैड होती है वो लगा लें, जिसे कहते हैं चैन गाइड भी बहुत लोग कहते हैं। और टेस्नर पंप अभी हमारा ठीक है ये दोस्तों। और सारी चीज़ अभी लगाते हैं, इसका हेड लगाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। Thank you.
और इसके बाद आप लगाने के बाद टैपर को जरा लूज कर लेंगे। ओके फ्रेंड, और लूज करने के बाद अब इसके पिन को डालेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता, छोटा छोटा रोलर वाला होता था, कभी कभार क्या था, चोट मारने से रोलर निकल जाता था। इसका रोलर भी निकल चुका है मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इतना टाइट जाता नहीं है। इस चीज़ को अभी देखते हैं लास्ट में, और ऐसे दूसरे तरह का कैम रोकर और उसका पिन लगा लेंगे। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद आप दूसरा रोकर लगाएंगे, और जब रोकर आप पहले निकाल लेंगे तो उसमें क्या ग्रीस लगा देंगे, क्योंकि जो उसका रोलर है वो निकलेगा नहीं। इस चीज़ को आप ध्यान से देखना, और इसका क्या बड़ा आराम से जैसे कि राउंडली घुमा घुमा के इस पिन को डालना है इसके अंदर, और क्या होगा इसका फेस भी मिलाना पड़ेगा। कभी कभार क्या होता है, टैपिट वाला जो नट होता है वो 9 नंबर वाला, उसे भी आपको लूज करना है, थोड़ा क्या ईजी हो जाता है आने जाने के लिए उसके अंदर। तो आप इसे ध्यानपूर्वक से लगाइएगा दोस्तों। क्योंकि देखे ये चोट मार रहे हैं, वैसे हल्का चोट मारना है आपको, और कोई बोल्ट हो या टैपिट जो जिससे एडजस्टर हम पुलर बोलते हैं, टैपिट लट्टू बोलते हैं, उसको भी आप लगा सकते हैं। क्योंकि देखिए अभी इसमें दिक्कत लग रहा है इस वाले में, तो इसको अभी करके फिर वीडियो बनाते हैं। ओके दोस्तों, जिस तरीके से लगे हुए हैं उस तरीके से इसका रोलर निकल चुका है 100%, क्योंकि नहीं तो पिन अंदर चला जाता। तो अभी से क्या निकालते हैं, निकालने के बाद फिर इसको आप लगाते हैं। देखो दोस्तों, टाइमिंग चैन लग चुका है, और उसके साथ साथ इसकी टॉप भी मिलाया जा रहा, और सारे नट बोल्ट लगा दिए हैं 12 नंबर के। हेड पैक करने के बाद दोस्तों, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये आइए टॉप है इसका निशान ऊपर का, ये कट और ये कट पे देख के मिला के करना। उसके बाद दोस्तों ये देखते रहे टाइमिंग इसका, और इसमें आपका निशान तो ऐसे दिया नहीं हुआ है, और अभी ये नट टाइट हो गए, ये सीधे पाएगा ठीक है। और ये जब लगाते समय इस चीज़ को ध्यान रखना चैन पैड का, और इसी तरीके से आपको पैक करना है। ये प्लग का है, ये इसमें भी अंदर पिस्टन अभी आपको दिख रहा होगा ये, और उसको अंदर नट लगा लेंगे इस तरीके से बस। ठीक है दोस्तों, अब पैक करते हैं।
दोस्तों थोड़ा ये वीडियो गंदा बन चुका है, इसके कारण मैं आप लोगों से क्षमा मांगना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें प्रॉपर शायद वीडियो आपको मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। देखें जरा गियर साबर, तो 45 सेकंड का ज़्यादा लंबा नहीं है। और उसके बाद जिसे कहते हैं हम लोग गेट डॉक, गेट डॉक में पीछे वार्सल है, और उसके बाद स्प्रिंग, उसको यहाँ न्यूट्रल पे लगा के पहले से मैं नट को टाइट कर लेता हूँ। ये दिखा दो, ये ऐसे करके लगेगा यहाँ पर, ये अभी टाइट हो जाएगा इस तरीके से। चालू कर दे, चालू हो रखा है। देखे दोस्तों, उसके बाद ये कट है, कट को कहाँ लगाना है, पीछे वार्सल है, इसको इस तरीके से लेके चलना है, और यहाँ पे लगाना है। अब देख सकते हैं बैठ गया, बैठ जाएगा, आवाज़ करेगा, आवाज़ करेगा एकदम फ्री। इधर दिखाओ, इधर देख रहे, बस इसी तरीके से आपको लगाना है दोस्तों। चलो हो गया दोस्तों, एक क्लच होजिंग भी बोलते हैं अंग्रेजी में, और क्लच हथौड़ा भी हम लोग लैंग्वेज में, और चीज़ को ऐसे डाल दें। और इससे पहले डालने से पहले एक होता है अपना वायल पंप करारी, ठीक है, तो इससे पहले हम लोग इसे निकाल लेते हैं, पहले इसे लगाते हैं, हम घुमा के चेक कर लें, हाँ सब रख लो, उसके बाद इसे आप देख लें चेक करके, और चेक करने के बाद आपको इस तरीके से लगाना है, ये इस खांचे में भी आ जाए, जैसे आप देख सकते हैं बैठ गया है। और उसके बाद इसका वार्सल है, मैंने सॉरी आपको मैंने दिखाया नहीं, इसके पीछे भी एक वार्सल है, ये देखिए एक वार्सल मोटा वाला त्रिभुज, देख लें, उसके बाद फिर वार्सल है। अभी ये कंपनी का मंगाया हूँ, इसका प्रिंट रेट है 125 सीसी का, 701 रुपया। हाँ एक हाँ हाँ रख दो, क्लच हो गया आपका लग चुका है, और लगने के बाद और दो वार्सल होंगे इसके, दोनों वार्सल आपको लगा लेनी है, वार्सल कोई ना भूलें लगाते समय। और ये उल्टी चूड़ी का निशान देख रहे हैं आप बीच में, ये उल्टी चूड़ी का है, और लगाने के बाद इस टाइप का आपके पास है कुछ औजार का प्रयोग करेंगे, जैसे हम लोग इसे कहते हैं बुलर, और ये उल्टा चूड़ी का है दोस्तों, इस सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप, इसको आप टाइट करेंगे, अब ये गाड़ी में अब एक तरफ से सारा काम हो चुका है, बस नट बोल्ट टाइट रखना है, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी दोस्तों, तो आप लोग भी बोरिंग हो जाएंगे। हेलो बोले, बंद कर दिया, उसकी मोटर लेकिन चालू करवा के, ये कहाँ पर रखना है, ऊपर उठा के जगह Thank you.
इसको आमने सामने टाइट करेंगे ताकि यार प्लेट इधर उधर ना होए, चीज़ को ध्यान रखना। मेरा चेहरा नहीं आ रहा ना। क्यों ले रहा? उसको दोस्तों इसका जो आपका क्रैंक का है चेक कर लें, ये स्प्रिंग इसका काम कर रही है कि नहीं कर रही है। इसलिए नहीं होगा तो वाल पंप चढ़ेगा ही नहीं। कर दें इंजन में। देखिए दोस्तों ये बैरिंग है, इसमें तेल लगाना जरूरी है, अगर जाम हो तो क्लच काम नहीं करेगी, अगर खराब होगी तो तेल डालना जरूरी है इसमें। तो फिर उसके बाद में इसको लगाना चाहिए यहाँ, बंद करके टाइट कर दे वो एलन की वाली। दोस्तों ये बैरिंग लग चुकी है, उसके बाद में पहले पैकिंग लगेगी। ये दोस्तों ये फेस को पहले साफ करेंगे तरीके से, अगर इस पर हल्का सा भी पैकिंग लगी हुई रहेगी पुरानी वाली तो तेल लीकेज करने लगेगी। तरीके से एकदम पूरी सफाई करेंगे पहले पूरे फेस को, उसके बाद में अभी दोस्तों मैं बताऊंगा फिर क्या लगेगा। अभी देखिए दोस्तों पहले ये डावल लगेगी, इसको डावल भी बोलते हैं और भोगली भी बोलते हैं इसको। देखिए दोनों तरफ लग जाएगा। देखिए फ्रेंड इसको पैकिंग बोलते हैं, अगर ये पैकिंग नहीं लगेगी तो तेल नहीं रुकेगा इसका। ठीक है दोस्तों, उस समय आपको क्या लगेगा देखिए दोस्तों। ये ठेसी लगाएंगे, अगर ये ठेसी नहीं लगेगी तो ये क्लच जो है ना ये काम नहीं करेगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, भाई मैं बताता हूँ और दोस्तों उसके बाद आप सारे नट बोल्ट को टाइट कर लें रजिस्टर के बाद। ये आप कुप्पा भी लगा लें, सारे नट बोल्ट टाइट है,
अब इसके बाद पैक करते हैं इसके ऊपर का हेड का, वो रखा हुआ है। अब इसका मैग्नेट लगाएंगे। मैग्नेट सबसे पहले मैं इसमें काटर लगाऊंगा। काटर लगाने के बाद उसके बाद इसको मैग्नेट को देखो, मैं उल्टे तरीके से पैक करूंगा, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए कर रहा हूं, क्योंकि देखिए उल्टा तो लग नहीं सकता, लेकिन कोशिश करके देखते हैं बैठता है कि नहीं बैठता है। तो उसको भी देख लीजिए, अभी तो चलो गिर, आपकी गरारी गिर चुकी है, क्योंकि देखिए इसमें लग नहीं रहा है। ठीक है दोस्तों, तो उल्टा ही आपका कभी लगेगा भी नहीं। तो आपको क्या करना है, इसको पलट कर और सीधे की तरफ लगाना है, जैसे पहले कंपनी दी है, क्योंकि मैं दिखाना चाह रहा था उल्टा इसमें बैठता है कि नहीं बैठता है, क्योंकि देखिए अब सीधा किस तरीके से बैठ चुका है। फिर उसके बाद आप गरारी लगा लेंगे, जिस तरीके से मोटा पतला दोनों है उसमें, पतले की तरफ जो सेल्फ की तरफ रहेगा, और मोटा वाला जो आपका वन वे गरारी है उसमें लगेगा, और वार्सल का ज़रूर ध्यान रखना। ठीक है फ्रेंड, और इसके नट के पीछे इसका एक वार्सल रहेगा, जब 19 नंबर का नट है ये। और इसको आप पकड़ के जैसे किसी चीज़ से, इसमें अभी मैग्नेट में एक पेचकस द्वारा लगा के इसको टाइट करेंगे। 19 नंबर का ये गोटी है और हैंडल से हम टाइट कर रहे हैं इसे। और इसके बाद उसे टाइट करने के बाद अब हम आ गए इधर नट जाली ऑयल की, जो हम नीचे ऑयल खोलते हैं 18 नंबर नट से, इसकी जाली लगा लें और उसे भी टाइट कर दें पाना से, पाना हो, गोटी हो, चाबी हो, किससे भी आप टाइट कर सकते हैं। तो आपका ये टाइट हो चुका है, और उसके बाद आप मैग्नेट जब टाइट हो जाए तो इसके साथ साथ ये भोगली लगा लें, क्योंकि पैकिंग आपकी आउट नहीं रहेगी, ये भोगली से ही आपका पैकिंग का जो फेस है वो बरकरार रहता है। तो आपका देखिए ये पूरा भोगली में चला गया है। अब आपको क्या लगाना है, मैग्नेट कवर सब कुछ पहले चेक कर लें, उसके बाद लगाएं मैग्नेट कवर। थोड़ा क्या टाइट जाता, क्योंकि भोगली अभी नई नई हमने ली है, तो उसमें क्या इसका फेस थोड़ा कंपनी से अलग तरीके से आता है। तो अब देखिए दोस्तों, इसमें सारे नट बोल्ट है 8 नंबर के, सारे आप लगा दें और हल्के हाथों से टाइट करें। ज़्यादा भी टाइट करेंगे तो क्या हो दोस्तों, स्लिप कर जाएगा बोल्ट, तो फिर उसमें क्या आपका ही नुकसान होगा, फिर दोबारा लेके जाना पड़ेगा खराद पे। इसे वीडियो को दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, भाई को अपने सपोर्ट करना है, तो कोशिश यही रहता है आप वीडियो सही बने, लेकिन क्या करूँ दोस्तों, हमारे पे फोन है, कैमरा तो है नहीं जिससे थोड़ा क्लियर वीडियो बनाऊँ, तो इसलिए वीडियो चालू करके ये पुश करना भूल गए हैं, इसकी वजह से थोड़ा देखने लायक तो आपका सीन आ भी नहीं रहा, इसके लिए क्षमा मांगता हूँ दोस्तों आप सभी से। क्योंकि हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि गलती लड़के का भी नहीं है, और इंजन पकड़ रखा है, बोल्ट टाइट कर रहा हूँ उस टाइम, और फोन लग रहा है ऐसे ही रख के वो भूल गया है, इसकी वजह से वीडियो थोड़ी 10-12 सेकंड की थोड़ी लंबी बन चुकी है। और इसके बाद अब हमारा फोकस रहेगा इंजन पर, सारी पोजीशन टाइट हो चुकी है, सारे बोल्ट नट बोल्ट सारे प्लग व्लग टेप भी डाल चुका हूँ, और चाबी अपना स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टार्ट करता हूँ, बार देखता हूँ। तरीके से अब स्टार्ट हो चुकी है, और वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखना, और जितना लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, हम लोगों को सपोर्ट करना दोस्तों। ठीक है, ओके।